सबसे पहली बात तो ये कह दी कि इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया है। कौसर की तफसीर इब्ने अब्बास ने फरमाई है खैर कसीर, बहुत ज्यादा खैर, दुनिया के अंदर जितना खैर हो सकता है, जितनी भी भलाई हो सकती है, मैंने अपने रसूल को तमाम भलाई दे दी है। और अरबी का तालिब इल्म जानता है कि जब किसी इस्म के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, जैसे कौसर, कौसर पर आप देखेंगे अलिफ लाम है वहां, अल कबूतर है ना, इन्ना आतैना का उसके बाद अल कबूतर अलिफ लाम है, तो जब किसी इस्म के ऊपर अलिफ लाम आ जाए तो वो उस सिफत की इंतहा को और कमाल को बतलाता है। क्या मतलब हुआ? खैर कसीर, यानी जितना भी खैर हो सकता है, जितनी भी भलाइयां हो सकती हैं, आला से आला किस्म की भलाइयां आपको दे दी गई, कुछ छोड़ा नहीं गया। और यहीं से एक नुक्ता मिला कि जब सारी भलाइयां नबी को दे दी गई तो अब उम्मत को जो कुछ मिलेगा वो नबी की इत्तेबा से मिलेगा, जो भी खैर मिलेगा वो नबी की इत्तेबा से मिलेगा, जो भी भलाई मिलेगी वो नबी की इत्तेबा से मिलेगी। बकिया और किसी आदमी के पास किसी किस्म का खैर नहीं मिलेगा, किसी किस्म की भलाई नहीं मिलेगी, इसलिए कि इस आयत करीमा में साफ कह दिया गया है कि जितनी भी भलाइयां हो सकती हैं, बदरजे अतम बदरजे कमाल, सब मैंने अपने रसूल को दे दिया है। अब ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ मुसलमानों, तुमको अगर भलाई हासिल करनी है तो उसका एक ही तरीका है, वो है मेरे हबीब की इत्तेबा। और खुदा की कसम दुनिया के तमाम आदमियों का इनकार कर दो, तुम कह दो कि मैं फला मौलवी को नहीं मानता, आप कह दीजिए कि मैं फला मौलाना को नहीं मानता, आप कह दीजिए कि मैं फला सियासतदान को नहीं मानता, आप कह दीजिए कि मैं फला फिलोसोफर को नहीं मानता, आप कह दीजिए फला मुहद्दिस को नहीं मानता, आप कह दीजिए फला सूफी को नहीं मानता, आप कह दीजिए फला आलिम को नहीं मानता, और ये भी कह दीजिए कि फला इमाम को नहीं मानता, खुदा की कसम आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी कयामत के दिन। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि मैं रसूल को नहीं मानता, गर्दन लग जाएगी। दुनिया के तमाम इंसानों का इनकार कर दीजिए, कोई मुआखजा नहीं होगा। इमाम शाफी का इनकार कर दीजिए, मुआखजा नहीं होगा। अल्लाह ने पूछेगा तुमने इमाम शाफी को क्यों नहीं माना। आप अगर इमाम अहमद इब्न हंबल का इनकार करके, खुदा की कसम पूछा नहीं जाएगा कि तुमने इमाम अहमद इब्न हंबल का इनकार क्यों किया। इसी तरह जितने भी उलमा हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुकहा हैं, अइमा हैं, तमाम का इनकार कर दीजिए, कयामत के दिन आपसे पुरशिश नहीं होगी, मुआखजा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कहीं ये कह दिया कि मैंने रसूल को तस्लीम नहीं किया, मैं रसूल को नहीं मानता, मुआखजा क्या, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जहन्नम। कितनी अजीब बात है ये, हमने आपको खैर कसीर दे दिया, हर खैर हर भलाई बदरजे अतम दे दी, अब उम्मत को जो भी भलाई मिलेगी, जो भी खैर मिलेगा, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा से मिलेगा। अगर इत्तेबा नहीं है रसूल की तो आदमी हर खैर से महरूम है और हर भलाई से महरूम। इसी वजह से इब्न अब्बास ने कौसर की तफसीर खैर कसीर से फरमाई।